अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था जी, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग कर रहे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को रावण, राम ने छेड़ा, राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी, राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो, लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात, तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है वो, सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई राम के, रावण के पास, क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है, रामायण को पढ़िए। उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त थी, जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था, ठीक है। तो रावण भी नहीं उठा पाया था, तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे, भूप सहस्र दस एक ही वारा, लगे उठावन तारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए, 10,000 राजा। मैं कोई टिप्पणी या कोई कॉमेंट करना नहीं चाहूंगा, बस उनकी बात आप लोग सुनो, आपको जैसा लगता हो आप कमेंट में आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जो मन करे वो बोल सकते हो, लेकिन हाँ, किसी की फीलिंग को हार्ट नहीं कर सकते आप, किसी के आस्था को हार्ट नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी, तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज, 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है, हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा कर, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती, हमें बताओ? सीता की शादी किसके साथ होती, ठीक। चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण को, तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती, लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें प्रदान उनके अंदर शक्ति थी, रावण कमजोर हो गया। भाई साहब सवाल पूरा हो जाने दीजिए, जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण, कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए कोई आदमी, अगर कमजोर पुरुष है छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, बहुत सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपने पति को मारती जो कमजोर है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब, कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया, मेरा सवाल ये है। तो नहीं उठा